हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मध्यकालीन इतिहास में सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर इज खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के निम्नलिखित में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? राइट आंसर इज खिज्र खां। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? राइट आंसर इज सैयद वंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खिज्र खां किसका सेनापति था? राइट आंसर तैमूर लंग। तैमूर लंग खिज्र खां का सेनापति था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। खिज्र खां नियमित रूप से किसे कर भेजता था? राइट आंसर इज शाहरुख मिर्जा। शाहरुख मिर्जा तैमूर का पुत्र था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई? द राइट आंसर इज 20 मई 1421। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक रहा? द राइट आंसर इज 37। 37 साल तक सैयद वंश का शासन रहा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इज मुबारक शाह। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैयद वंश की राजधानी क्या थी? राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली सैयद वंश की राजधानी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खिज्र खां ने उपाधि धारण की? द राइट आंसर इज शाह। शाह की उपाधि खिज्र खां ने धारण की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर इज मुबारक खां। मुबारक खां खिज्र खां का उत्तराधिकारी था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारीखे मुबारक शाही की रचना किसने की थी? राइट आंसर इज याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी तारीख़े मुबारक शाही की रचना थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुबारक खां ने उपाधि धारण की थी? शाह की। और राइट आंसर इज शाह। मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुबारक खां ने अपने सिक्कों पर अपना नाम क्या लिखवाया था? द राइट आंसर इज मुइजुद्दीन मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश की आधिकारिक भाषा थी? राइट आंसर इज फारसी। फारसी सैयद वंश की आधिकारिक भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर इज अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।